नमस्कार साथियों, मैं निखिल खंडेलवाल स्वागत करता हूं आपका एएसपी कोचिंग जयपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, सभी को एक साथ गुड इवनिंग, सभी को राधे राधे, जय जवान, जय किसान, जय कृषि विज्ञान। अब एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए, जय जवान, जय किसान, जय कृषि विज्ञान, और फिर हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। और जो भी फालतू के कमेंट्स करेंगे, क्योंकि देखो फालतू के कमेंट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो बिल्कुल फालतू कमेंट्स नहीं होने चाहिए। और जो हमारी क्लास होगी वो बहुत ही मजेदार होने वाली है। मैं यूं कह रहा हूं कि पादप वृद्धि नियंत्रक, आप चाहे थ्योरी पढ़ी हो नहीं पढ़ी हो, लेकिन यहां से जब आप जाओगे एक घंटे के बाद, तो आप लोग पादप वृद्धि नियंत्रक या हार्मोन्स सीख कर ही जाओगे, है ना। चलो, करोड़ीलाल सिंह बैसला, मनीषा मीणा, तांत्रिक बाबा के चौधरी, मनीषा बहुत बढ़िया, रेनू मीणा जी, नेहा सोलंकी, बहुत लोग जुड़ भी चुके हैं। तो अब एक बार क्या करेंगे, जो क्लास है ना इसको शेयर कर दीजिए। देखो 40 स्टूडेंट जुड़े हैं अभी, है ना, जिससे अब अपन अपनी इस क्लास को स्टार्ट करेंगे सुव्यवस्थित ढंग से। और देखो आज मैं आपके लिए खुशखबरी भी लेके आया हूं, है ना, वो खुशखबरी मैं आपको बीच में बताऊंगा कि खुशखबरी क्या है, है ना। राकेश मीणा, पूर्णिमा, बहुत बढ़िया भाई, है ना। चलो स्टार्ट कर दे एक बार क्लास, ये बताओ, देखे ये बताओ कि क्लास स्टार्ट कर दी जाए क्या। हाँ जी, रोहित जाट, जय दादा सूरजमल जाट जी की, ठीक है, सभी को राधे राधे भाई, है ना, अशोक, रोहित। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का हमारा लेक्चर प्यारे दोस्तों। और जो हमारा पहला और अमेजिंग क्वेश्चन होने वाला है कि हार्मोन जो शब्द था वो किसके द्वारा दिया गया। देखो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और आपको एकदम हीरो बना देंगे, है ना। चलिए बताइए कि हार्मोन शब्द किसने दिया था, फटाफट इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर छाप दीजिए। ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है जूलियम वॉन सक्स, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है स्टर्लिंग, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है थीमेन, ऑप्शन नंबर डी ओ एस बॉर्ग। तो फटाफट राइट आंसर कमेंट कीजिए। हाँ, रागला जयबन, रविवार को 5 घंटे क्लास है, हाँ रविवार को 5 घंटे आपकी लगातार क्लास रखी जाएगी, ठीक है। चलिए फटाफट राइट आंसर कमेंट कीजिए। देखो कुछ लोग ए कमेंट कर रहे हैं और कुछ लोग बी भी कमेंट कर रहे हैं। आरती मीना ए कमेंट कर रही है, के चौधरी ए कमेंट कर रहे हैं, जो कि सरासर क्या है, गलत है, ठीक है। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो आप लोगों को कमेंट करना था, लेकिन आप में से एक दो विद्यार्थियों ने उसका राइट आंसर कमेंट किया, बाकी सबका गलत आंसर है। देखिए अपन बात कर रहे हैं प्यारे दोस्तों किसकी, हार्मोन्स की। किसकी बात कर रहे हैं, हार्मोन की बात कर रहे हैं। और जो हार्मोन की अपन ने बात करी कि शब्द किसने दिया था, तो हार्मोन शब्द देने वाले थे स्टर्लिंग साहब। कौन थे, स्टर्लिंग। ये स्टर्लिंग साहब ने हार्मोन शब्द दिया था। अब देखो अपन बात करते हैं कि साहब ये हार्मोन शब्द होता क्या है, क्या बात करेंगे कि हार्मोन होता क्या है। तो प्यारे दोस्तों जो हार्मोन है, ये इस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक शब्द से हुई है। कौन से शब्द से हुई है, ग्रीक शब्द से हुई है। और ग्रीक भाषा का एक शब्द है हार्माओ, कौन सा शब्द है, हार्माओ। इस हार्माओ शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, और हार्माओ का अर्थ होता है उत्तेजित करना या प्रेरित करना। क्या होता है, उत्तेजित करना या फिर प्रेरित करना, इसका क्या होता है अर्थ होता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये ध्यान रखना कि खोज तो किसने की थी भाई, शब्द तो किसने दिया, शब्द दिया स्टर्लिंग ने, लेकिन जूलियम वॉन सॉक्स साहब है ना, इन्होंने हार्मोन की खोज की थी। हार्मोन की खोज किसने की थी ये आपसे पूछा जाए, तो जूलियम वॉन सॉक्स ने क्या की थी, खोज की थी। और ये थीमेन साहब थे ना, थीमेन, थीमेन साहब ने हार्मोन को, किसको, हार्मोन को फाइटो हार्मोन नाम दिया था। क्या नाम दिया था, फाइटो हार्मोन नाम दिया था। तो हार्मोन को फाइटो हार्मोन नाम देने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे थीमेन साहब। और फाइटो हार्मोन जो नाम दिया गया था प्यारे दोस्तों, वो नाम दिया गया था 1948 में। मैं बात करूं ओ एस बॉर्न साहब की, तो इन्होंने दोस्तों वृद्धि नियंत्रक शब्द दिया था। कौन सा शब्द दिया था, वृद्धि नियंत्रक जो शब्द है,
वधि नियंत्रक जो शब्द है वो सबसे पहले दिया था ओ एस बॉर्ब साहब ने। तो हमने सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ा है और बिल्कुल बेसिक चीजों के बारे में जानकारी ली है, ठीक है। तो फटाफट एक बार इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, है ना। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि अंगूर में फलों का आकार बढ़ाने के लिए एवं बीज रहित फल उत्पादन करने के लिए कौन सा हार्मोन उपयोग करते हैं। फटाफट राइट आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है IBA, ऑप्शन नंबर बी दे दिया GA3, ऑप्शन नंबर सी IA, ऑप्शन नंबर डी दे दिया NAA, ठीक है। तो फटाफट राइट आंसर कमेंट कर दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो सभी का एकदम राइट आंसर आ रहा है ना। कुछ लोग बी कमेंट कर रहे हैं जो एकदम राइट है। क्या है? एकदम राइट। देखिए अपन बात करें जी बी की तो जिब्रेलिक एसिड, क्या आ गया है? जिब्रेलिक एसिड। तो अंगूर है और इसमें अपन को क्या करना है? फलों का आकार भी बढ़ाना है और बीज रहित क्या करना है? फल उत्पादन करना है। तो GA3 या जिब्रेलिक का क्या करेंगे? अपन उपयोग करेंगे। अब देखो थोड़ी सी जानकारी हम लेंगे किसके बारे में? जिब्रेलिन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? जिब्रेलिन के बारे में बात करेंगे, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है? हार्मोन है। अब साहब ये जो जिब्रेलिन है प्यारे दोस्तों, इसकी जो खोज थी ना, इसकी खोज की गई थी 1926 के अंदर। तो पहली चीज तो यह ध्यान रखना है कि इसकी खोज कब हुई थी। तो खोज हुई थी 1926 में। किसने की थी? तो एक वैज्ञानिक थे क्रोसोवा। कौन से थे? क्रोसोवा। तो क्रोसोवा नामक एक वैज्ञानिक थे। कहां के थे? तो जापान के थे साहब। कहां के थे? जापान के रहने वाले थे। इन्होंने इसकी खोज की। अब साहब खोज किसके अंदर करी थी? तो ये ध्यान रखना कि इसकी जो खोज की गई थी वो एक फंगस थी, जिब्रेला फ्यूजी कोराई। कौन सी फंगस थी? जिब्रेला फ्यूजी कोराई, जिब्रेला फ्यूजी कोराई। अब साहब इस जिब्रेला फ्यूजी कोराई नामक फंगस के अंदर क्या है? ये फंगस है, कवक है। तो इस कवक के अंदर इस जिब्रेलिन की खोज की गई साहब। अब ये जो कवक है, देखो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं और डबल एओ के अंदर आया हुआ क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूं प्यारे दोस्तों, कि ये जो जिब्रेला फ्यूजी कोराई है, ये कवक धान में एक रोग पैदा करती है। क्या? धान में एक रोग पैदा करती है और उस रोग का नाम है बकानी रोग। क्या नाम है? बकानी रोग। तो बकानी रोग ये फंगस पैदा करती है और इस बकानी रोग को कहा जाता है फुलिस सीडलिंग डिजीज। क्या कहा जाता है? फुलिस सीडलिंग डिजीज, सीडलिंग रोग कहा जाता है। और यही क्वेश्चन डबल एओ के अंदर पूछा हुआ। देखिए इसका सबसे इंपॉर्टेंट अपन पार्ट की बात करें कि जिब्रेलिन जो होता है इसके क्या क्या कार्य होते हैं। कि साहब जिब्रेलिन के कार्य भी बता दीजिए। तो देखो इसका मुख्य कार्य होता है एक तो क्या? फलों का आकार बढ़ाना। फलों का आकार तो बढ़ाता ही बढ़ाता है। दूसरी चीज ये ध्यान रखना कि ये सुसुप्तावस्था को भी तोड़ता है। देखो सुसुप्तावस्था को जिब्रेलिन भी तोड़ता है, है ना, और साइटोकाइनिन भी तोड़ता है। तीसरी चीज ये ध्यान रखना कि ये कोशिका विभाजन भी करता है। क्या करता है प्यारे दोस्तों? कोशिका का विभाजन भी करता है, ठीक है। इसके अलावा ये चीज ध्यान रखना कि जो फल होते हैं प्यारे दोस्तों, फलों को ये गिरने से रोकने का कार्य भी करेगा। क्या करेगा? फलों को गिरने से रोकने का कार्य भी इसके द्वारा किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जो खीरा वर्गीय जो सब्जियां होती है ना, खीरा वर्गीय सब्जियों में नर पुष्पों को बढ़ाने के लिए, नर पुष्पों को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये भी आपके एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। अब देखो अपन बात करेंगे, यह और भी हार्मोन दे रखे हैं सर, तो इनकी भी अपन बात कर लेते हैं साहब। तो जो अपन बात करें सबसे पहले IB दे रखा है, तो इस IB का काम होता है जड़ विकास करना। पौधों के अंदर जड़ का विकास करता है कौन? IBA, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड।
आईएए का कार्य होता है, तो जो आईएए है ये शिखर तने को, पौधे का जो शिखर तना होता है ना, शिखर तने को क्या करता है, प्रेरित करता है, क्या करता है, शिखर तने को प्रेरित करता है। और एनएए नेथलिक एसिड, ये दोस्तों फलों को और फूलों को, फलों और फूलों को क्या होता है, गिरने से रोकता है। फलों और फूलों को गिरने से रोकने का कार्य कौन करेगा, एनएए करेगा। तो ये हमारी बात हो गई किसके बारे में, जिब्रेलिन के बारे में और अंगूर के अंदर बात हो गई। चलिए चलिए फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि शीर्ष प्रभाविता या एपिकल डोमिनेंस कौन सा हार्मोन दिखाता है, फटाफट राइट आंसर कमेंट करेंगे। बहुत बढ़िया सर जी, पहचान गए राज मेवाल। हाँ भाई, बहुत दिनों बाद आप आज क्लास में हैं और पहचानेंगे क्यों नहीं भाई, जो स्टूडेंट है उसको टीचर कभी नहीं भूलता है ना। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा क्लास में देख के। अब कमेंट कीजिए कि शीर्ष प्रभाविता या एपिकल डोमिनेंस कौन सा हार्मोन शो करता है, फटाफट राइट आंसर कमेंट करें। देखो सबसे पहले आंसर आया गौतम का, एक कमेंट किया है, आरती मीना एक कमेंट कर रही है, सपना एक कमेंट कर रही है, पूजा एक कमेंट कर रही है, रोहित जाट, बहुत बढ़िया भाई। देखिए सभी का एकदम राइट आंसर आ रहा है। तो अपन बात करेंगे शीर्ष प्रभाविता या एपिकल डोमिनेंस जो हार्मोन शो करता है उसका नाम है ऑक्सिन। क्या नाम है, ऑक्सिन। जो हार्मोन है प्यारे दोस्तों, ऑक्सिन हार्मोन एपिकल डोमिनेंस शो करेगा, कैसे करेगा ये समझिए कि इसका जो संश्लेषण होता है, ऑक्सिन का जो संश्लेषण होता है ना प्यारे दोस्तों, ये संश्लेषण हमेशा कहां होता है, ऊपरी भाग पर या नई पत्तियों में होता है। कहां होता है, नई पत्तियों में इसका क्या होता है, संश्लेषण होता है। और ये नई पत्तियों से ही क्या है, पूरे के पूरे पौधे के अंदर सर्कुलेट होता है। इस वजह से अपन इसको एपिकल बर्ड डोमिनेंस या शीर्ष प्रभाविता वाला हार्मोन कहते हैं। अब अपन बात कर लेते हैं ऑक्सिन के बारे में, कुछ एक फैक्ट के बारे में। तो देखो ऑक्सिन के बारे में हम बात करेंगे तो ये ऑक्सिन भी क्या है, एक ग्रीक शब्द है। कैसा शब्द है, ग्रीक है, और इसका अर्थ होता है वृद्धि करना। क्या अर्थ होता है इसका, वृद्धि करना होता है। अब सर ये ऑक्सिन है ना, इस ऑक्सिन की जो खोज थी ना, खोज सबसे पहले जो खोज थी ये की थी एफ डब्ल्यू वेंट ने। किसने की थी, एफ डब्ल्यू वेंट ने खोजा था, किसको, ऑक्सिन को खोजा था 1928 में। कहां खोजा था, किस पादप में खोजा था, तो ध्यान रखना जई, जो जई होता है ना ओट, हाँ ओट, तो जई के प्रांकुर चौल के अंदर, कौन से चोल में, जय के प्रांकुर चोल के अंदर इसको खोजा गया था। किसको खोजा गया था साहब, तो इस ऑक्सिन को खोजा गया था। अब बात की जाएगी भाई साहब ऑक्सिन को खोजा तो, खोज तो दिया, लेकिन शब्द किसने दिया, तो कोगल भाई साहब ने शब्द दिया था ऑक्सिन। ऑक्सिन खोजने वाले एफ डब्ल्यू एन थे, नाम देने वाला कौन था, कोगल था। अब जो ऑक्सिन जो है ना, ये ऑक्सिन हमेशा दो प्रकार का है। कैसा है भाई, दो प्रकार का होता है, एक तो होता है प्राकृतिक, कौन सा होता है, प्राकृतिक होता है, और दूसरा होता है संश्लेषित या कृत्रिम। संश्लेषित कह दो या कृत्रिम कह दो साहब। प्राकृतिक की बात करें तो इसका एग्जांपल आप याद रखना आईएए यानी इंडोल एसिटिक एसिड जो है वो प्राकृतिक ऑक्सिन है। बात करें संश्लेषित की तो आईबीए यानी इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, एनएए यानी नेफ्थलिक एसिटिक एसिड, 2,4-D यानी कि 2,4, ठीक है, तो 2,4-D और एनएए और आईबीए, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, संश्लेषित हो जाएंगे। तो कई बार ऑक्सिन से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ऑक्सिन का पूर्ववर्ती या प्रकर्षण जो होता है वो क्या कहलाता है, तो एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करेंगे, तब तक मैं इसका आंसर आप लोगों को लिख देता हूं। ठीक है, तो ट्रिप्टोफेन जो होता है प्यारे दोस्तों, ये ऑक्सिन का क्या होता है, पूर्ववर्ती होता है। अब देखो अपने यहां ऑप्शन में दे रखा है साइकोसेल, ये जो साइकोसेल है ना प्यारे दोस्तों, ये साइकोसेल मुख्यतः यूज किया जाता है शुष्क खेती के अंदर। कहां पर यूज किया जाता है, शुष्क खेती में इसका प्रयोग करते हैं, तो कहीं पे लिख लो देखे,
यहीं पे लिख लो छोटे से में, शुष्क खेती में अपन इसका यूज करेंगे। किसमें करेंगे? शुष्क, ज्यादा ही छोटा हो गया ना, इतना छोटा भी काम का नहीं है ना। शुष्क खेती में अपन किसका यूज करेंगे? साइकोसेल का। जिब्रेलिन, भाई अभी अपन बात कर चुके हैं जिब्रेलिन की, मैलिक हाइड्रोजाइड है ये, पौधों में अंकुरण को, अंकुरण रोकता है, अंकुरण को रोकने का कार्य करता है कौन दोस्तों? ये अपना मैलिक हाइड्रोजाइड। चलिए अब अपन बात करें कि रिचमेंड लॉन्ग प्रभाव अथवा जीर्णता कम करना, डिलेइंग ऑफ सेंसेस किस हार्मोन का काम है? डबल एओ एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और जेट, तीनों एग्जामों के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। फटाफट राइट आंसर कमेंट करें। मनीषा मीना, मोनिका अटल, राज मेवाल, बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार। मीना सोहनलाल के चौधरी, आरती मीना, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार भाई लोग, सभी का एकदम राइट आंसर आ रहा है। सोहनलाल डूंगरपुर, प्रदीप, आरती मीना, मीना बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, प्रदीप शानदार, देखिए सभी का एकदम राइट आंसर आ रहा है। बात की जा रही है रिचमोंड लैग प्रभाव की। तो भाई जो रिचमोंड लैग प्रभाव होता है, यह शो करने वाला जो हार्मोन है वो है साइटोकाइनिन। अब मुद्दे की बात आती है, ये रिचमोंड लैग प्रभाव होता क्या है? तो देखो रिचमोंड लैग प्रभाव का मतलब होता है जीर्णता कम करना। हिंदी में इसको क्या कहेंगे? अपने जीर्णता कम करना कहेंगे, ठीक है। अब जीर्णता कैसे कम कर सकता है? तो देखो जो साइटोकाइनिन होता है ये क्या करता है, पौधे के अंदर जो फ्लोएम होता है ना, फ्लोएम, फ्लोएम जान दो, देखो पौधे के अंदर दो ऊतक पाए जाते हैं, एक जाइलम पाया जाता है और एक फ्लोएम पाया जाता है। तो फ्लोएम और जाइलम की जो संख्या होती है उसको बढ़ाने का कार्य करता है कौन है? साइटोकाइनिन। और जब ये फ्लोएम की संख्या बढ़ा रहा है, साइटो और जाइलम की संख्या बढ़ा रहा है, और इनका जो मार्ग होता है ना, मार्ग, इस मार्ग को भी क्या करता है? सुगम करता है। मार्ग को क्या कर देता है? सुगम करता है, यानी कि ये आसानी से फ्लोएम और जाइलम अपना कार्य कर सकते हैं, ठीक है। अब इससे क्या फायदा होगा कि जितना भी न्यूट्रिशन, जितने भी पोषक तत्व अपने सोइल के अंदर अवेलेबल है, तो ये जो पोषक तत्व है ये आसानी से फ्लोएम और जाइलम के द्वारा, ठीक है, पहली चीज तो पोषक तत्व, दूसरी चीज ये ध्यान रखना कि पोषक तत्वों के अलावा जो भोजन बन रहा है वो फ्लोएम के द्वारा पौधे में आसानी से पहुंच जाता है। इसी को अपन क्या कहते हैं? रिचमोंड लैग प्रभाव कम करना या जीर्णता कम करना कहते हैं। अब जो साइटोकाइनिन की अपन थोड़ी सी बात करें प्यारे दोस्तों, तो जो साइटोकाइनिन है यहां पर लिख लीजिए, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन की बात कर लेते हैं। तो ये साइटोकाइनिन है प्यारे दोस्तों, इसकी जो खोज की गई थी ना, खोज, इसकी डिस्कवरी थी, ये की थी मिलर ने और स्कूग ने। मिलर व स्कूग नामक दो वैज्ञानिक थे, इन दो वैज्ञानिकों ने साइटोकाइनिन की क्या की थी? खोज की थी। अब साइटोकाइनिन को ध्यान रखना, जुवेनाइल हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं आपको, तो साइटोकाइनिन का दूसरा नाम क्या है? जुवेनाइल हार्मोन भी है। क्या है? जुवेनाइल हार्मोन भी है। और ये करता क्या है प्यारे दोस्तों पौधे के अंदर? ये पौधे में मुख्य रूप से कोशिका का विभाजन करता है। क्या करता है? कोशिका का विभाजन करता है, पहली चीज तो ये याद रखना। दूसरी चीज ये याद रखना कि ये सुसुप्तावस्था को भी तोड़ता है। किसको तोड़ता है? सुसुप्तावस्था को भी क्या करता है? तोड़ने का कार्य करता है। ये दो तो इसके क्या हो गए? मुख्य कार्य हो गए। इसके अलावा जो ये इसका मेन जो कार्य है, इसको अपन उपयोग में लेते हैं कहां पर प्यारे दोस्तों? इसको अपन उपयोग में लेते हैं ऊतक संवर्धन में। ऊतक संवर्धन में ये क्या करता है? कोशिकाओं की संख्या के अंदर वृद्धि करने का कार्य करता है। अब देखो यहां पर आपको देखो दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एक दिखाई दे रहा है इथाइलिन। तो इथाइलिन क्या करता है? फल पकाने में हेल्प करता है। फलों को क्या कराएगा? पकाने में काम लेगा। एब्सेसिक एसिड एबीए, ये क्या करता है? पौधे के रंध्रों को बंद करने का काम करता है। पौधों के रंध्रों को बंद करने का कार्य, बंद करने का कार्य करता है। और डोमिनोजोइड, ये भी एक प्रकार का अंकुरण अवरोधक है। अंकुरण अवरोधक हार्मोन है। कैसा हार्मोन है? अंकुरण अवरोधक हार्मोन है। तो ये चीज भी आप लोगों को ध्यान रखनी है।
ठीक है, चलिए चलिए फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट है कि शुष्क खेती है तो सर्वोत्तम पादप हार्मोन कौन सा है। पादप के बीच में आप लोगों को लिखना है, पादप हार्मोन कौन सा है, सर्वोत्तम पादप हार्मोन आप लोगों को बताना है। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को दिया हुआ है राउंड अप, ऑप्शन नंबर बी साइकोसेन, ऑप्शन नंबर सी TIBA, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है ऑक्सिन। फटाफट राइट आंसर कमेंट करें। मनीषा मीणा नाइस टीचिंग सर जी, ठीक है ओके थैंक यू, है ना बहुत बढ़िया। हाँ ये जेट में भी आते हैं भाई, जेट का भी टॉपिक है ये, तो फटाफट राइट आंसर कमेंट करें कि शुष्क खेती के लिए सबसे सर्वोत्तम पादप हार्मोन कौन सा है। वेरी गुड वेरी गुड, सभी का एकदम राइट आंसर है, बहुत बढ़िया बहुत शानदार। देखो ऐसे राइट आंसर आने चाहिए, लगता है कि हाँ तुम लोग सुपरवाइजर जेट की तैयारी भी कर रहे हो। चलिए चलिए प्रवीण बहुत बढ़िया, प्रवीण का पूजा सैनी बहुत शानदार, सभी का एकदम राइट आंसर है। चलिए अब अपन बात करें प्यारे दोस्तों, तो ये हमसे पूछना चाहते हैं कि शुष्क खेती के लिए कौन सा हार्मोन सबसे बेस्ट रहता है, तो ध्यान रखना साइकोसेल। साइकोसेल जो हार्मोन है प्यारे दोस्तों ये सबसे बेस्ट माना जाता है। ऐसा क्योंकि साइकोसेल ही बेस्ट माना जाता है, तो देखो हम बताते हैं, हम आपको बताएंगे कि जो साइकोसेल है, पहली चीज तो यह ध्यान रखना यह पौधों की पर्णीय वृद्धि को रोकता है। क्या करता है, पौधों की जो पर्णीय वृद्धि होती है, कौन सी वृद्धि, पर्णीय जो वृद्धि होती है वृद्धि को रोकता है। अब सब हमारे किसान है उनको पर्णीय वृद्धि से कोई मतलब है क्या, है पर्णीय वृद्धि से बिल्कुल भी मतलब नहीं होता। मान लो ये कोई पौधा है और ये इसकी पत्तियां हैं, क्या है पत्तियां, अब ये पत्तियों को अगर कम कर देंगे तो क्या होगा कि वाष्पोत्सर्जन की जो दर होती है, ठीक है वाष्पीकरण की जो दर होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो पर्णीय वृद्धि को रोका, वाष्पीकरण की दर जो है वो कम हो गई, तो सीधी सी बात है जल की हानि क्या होगी, कम होगी। इसलिए हम साइकोसेल को कहां यूज करते हैं, शुष्क खेती में यूज करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, ये साइकोसेल है ना इसे क्लोरोमैक्वाट भी कहा जाता है, क्लोरोमैक्वाट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ये चीज भी आप लोगों को ध्यान रखनी है, से भी जाना जाता है, जाना जाता है ना, वो वाली जाना नहीं लिखा है मैंने, मैंने लिखा है कि क्लोरोमैक्वाट के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट क्लोरोमैक्वाट के बारे में, तो जो क्लोरोमैक्वाट है प्यारे दोस्तों इसको, इसका उपयोग गेहूं को, ठीक है गेहूं की किस्मों को बोना करने हेतु, गेहूं की किस्मों को बोना करने हेतु भी अपन इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, तो यह चीज भी ध्यान रखनी है। अब देखो राउंड अप अपन बात करें, तो देखो राउंड अप का दूसरा नाम है ग्लाइफोसेट, क्या नाम है ग्लाइफोसेट, ग्लाइफोसेट। अब ये ग्लाइफोसेट या राउंड अप है इसका, इसका मुख्य कार्य होता है गन्ने को पकाना, गन्ना को पकाने का कार्य करता है सब। TIBA ट्राई आयोडो बेंजोइक एसिड, क्या है इसकी फुल फॉर्म, ट्राई आयोडो बेंजोइक एसिड, ठीक है एक बार इनको ब्लॉक कर देना अगर जो जो परेशान कर रहे हैं, ठीक है जो जो वो कर रहे हैं इनको हाइड कर दो, है ना जो जो कर रहे हैं एक बार देख के, है ना। चलिए शुष्क खेती की अपन बात करें, ट्राई आयोडो बेंजोइक एसिड प्यारे दोस्तों, तो ये क्या करता है, जो खीरे वर्गीय जो फसल है, कौन सी खीरा वर्गीय जो फसल है, सब्जियां है, फसलों को, फसलों को नहीं, फसलों में मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाता है, खीरा वर्गीय में मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाने का कार्य करता है कौन, TIBA। और ऑक्सिन के बारे में आपको बता चुका हूं इसका मेन कार्य क्या होता है, इसका मेन जो फंक्शन है शीर्ष प्रभाविता का है, कौन कौन से है भाई, कौन सा नेचुरल है, कौन सा क्या है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है चलिए। हाँ TIBA का प्रयोग निपिंग में भी करता है, वेरी गुड बहुत बढ़िया भाई राज मेवाल। हाँ चलिए चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि आप सभी के लिए, आप सभी के लिए मैं बोल रहा था कि खुशखबरी है, ठीक है तो जो खुशखबरी है वो ये है कि कल से, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज, कि कल से आप सभी के लिए, अभी जो कोर्स है वो लगभग 1500 रुपए से स्टार्टिंग है कोर्सों की, लेकिन कल से जो भी कोर्स होंगे ना, जो भी कोर्स कितने दिनों के लिए,
पांच दिनों के लिए, अगले पांच दिनों के लिए, 12 तारीख से लेके 16 तारीख, भाई 12, 13, 14, 15 और 16, ये पांच दिनों के लिए आपको सारे के सारे जो कोर्स है प्यारे दोस्तों वो 590 रुपए के अंदर, पूरे कोर्स 590 रुपए में 90% के डिस्काउंट के साथ आपको अवेलेबल है, जिसमें आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट, इसी के अंदर आपको कृषि पर्यवेक्षक का लाइव बैच मिलेगा। हाँ, यहाँ पे सीधी क्लास है, यहाँ पे जैसे पढ़ रहे हो YouTube पे वैसे बिल्कुल सीधी क्लास है, आपको लाइव मिलेगी कृषि पर्यवेक्षक की। आप पशु सहायक, ट्वेल्थ एग्रीकल्चर, कृषि व्याख्याता, जेट, आईसीआर, सीयूईटी, डब्ल्यूओ, यूपी कैडेट, ठीक है, किसी का भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है। सर फ्री कर दो, है ना, सर के तो बालक बेटे नहीं है, सर फ्री कर देंगे, है। चलिए चलिए नेक्स्ट अपन बात करें कि स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जाना जाता है, स्ट्रेस हार्मोन के नाम से किसे जाना जाता है, फटाफट अपना राइट आंसर कमेंट करें। बहुत बढ़िया, हाँ, स्ट्रेस हार्मोन के नाम से किसे जाना जाता है, फटाफट राइट आंसर कमेंट करें। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्या, एब्सेसिकम, ऑप्शन नंबर बी साइकोसेल, ऑप्शन नंबर सी साइटोकाइनिन, ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा है इथाइलिन, फटाफट राइट आंसर कमेंट करें। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। देखो स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जाना जाता है ABA को, यानी एब्सेसिक अम्ल को। सर एब्सेसिक अम्ल को स्ट्रेस हार्मोन क्यों कहा, तो इसके बारे में दो चार आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखने हैं कि साहब क्यों कहा गया है, ठीक है। अब देखो सबसे पहली चीज, जो एबीए है, ठीक है, एबीए है, इसकी जो खोज थी ना, खोज ये खोज की थी, दो वैज्ञानिक थे, ल्यू और कॉर्न। क्या नाम था, ल्यू व कॉर्न नाम के दो वैज्ञानिक थे। इन दोनों वैज्ञानिकों ने सबसे पहले एब्सेसिक अम्ल को खोजा था, कब खोजा था, तो 1961 के अंदर, और किस पौधे में खोजा था, तो ध्यान रखना कपास के अंदर इन्होंने इसकी खोज की थी। पहली चीज तो ये याद रखोगे। अब सर जो एब्सेसिक अम्ल है इसे तनाव हार्मोन भी कहते हैं, देखो तीन चीज याद रखना, तनाव हार्मोन कहते हैं इसको, इसी को प्यारे दोस्तों स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, और इसी को हम लोग प्रतिबल हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिबल हार्मोन। तो ऐसा क्यों कहते हैं, मुद्दे की बात आती है कि ऐसा कहते क्यों है, क्योंकि ये जो हार्मोन है प्यारे दोस्तों इसका मुख्य कार्य होता है रंध्रों को बंद करना। क्या होता है, रंध्रों को बंद करना, ठीक है। तो इसके अपन लिख लेते हैं कार्यों के बारे में, भाई क्या क्या कार्य है, तो कार्यों का वन बाय वन अपन बात करें, तो पहली चीज तो ये देखो, रंध्रों को बंद करना इसका मुख्य कार्य है, रंध्रों को बंद करना। अब साहब ये रंध्रों को बंद करेगा तो क्या वाष्पोत्सर्जन होगा क्या, क्या वाष्पीकरण होगा क्या, तो सीधी सी कारण है कि वाष्पीकरण को भी क्या कर देता है, कम कर देता है। दूसरी चीज ये ध्यान रखना, ये सुसुप्ता अवस्था बढ़ाता है साहब, क्या करता है, सुसुप्ता अवस्था बढ़ाता है। तो सुसुप्ता अवस्था जब बढ़ाएगा तो इसे एंटी जिब्रेलिन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, एंटी जिब्रेलिन भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि जिब्रेलिन क्या करता है, सुसुप्ता अवस्था को तोड़ता है, लेकिन ये सुसुप्ता अवस्था को बढ़ाने का कार्य करता है, ठीक है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है, क्या करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है, कौन प्यारे दोस्तों, हमारा स्ट्रेस हार्मोन, कौन सा, एब्सेसिक अम्ल। अब देखो साइकोसेल की अपन बात कर चुके हैं, ये पौधे की पर्णीय वृद्धि को रोकेगा, किसको रोकेगा, पर्णीय वृद्धि को क्या करेगा, रोकने का कार्य करेगा साहब। साइटोकाइनिन क्या करेगा साहब, साइटोकाइनिन कोशिका का विभाजन करेगा, क्या करेगा, कोशिका का विभाजन करने का कार्य करेगा। और इथाइलिन, इथाइलिन फल पकाता है साहब, क्या करता है, फल पकाने का कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करें कि खीरा वर्गीय सब्जियों में नर पुष्पों की संख्या बढ़ाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, फटाफट राइट आंसर कमेंट कर दीजिए। बहुत बढ़िया भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है टीबा, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है AgNO3, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है MH, और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है CCC। तो फटाफट राइट आंसर कमेंट कर दीजिए। देखे बहुत बढ़िया भाई, सुनील
डीएस मीना, योगेश, मनीषा मीना, आरती मीना, कर्नल करोड़ी सिंह। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया भाई, एक नंबर आंसर आ रहे हैं सभी के, बहुत बढ़िया। राज मेवाल, रोहित, उमेश, मनीषा, प्रदीप, इतनी स्पीड से कमेंट जा रहे हैं कि देख नहीं पा रहे हैं अपन, है ना। चलिए अपन बात करें कि जो खीरा वर्गीय सब्जी है, अब अपन को इसमें करना क्या है कि नर पुष्पों की संख्या को बढ़ाना है। तो अपन प्रयोग करेंगे किसका, AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट। क्या कहते हैं इसको, सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग अपन करने वाले हैं। अब देखो मुद्दे की बात यह है, ये करने तो वाले हैं लेकिन कितनी मात्रा में करने वाले, तो ध्यान रखना 200 से 300 ppm, कितनी 200 से 300 ppm मात्रा का प्रयोग करेंगे खीरा वर्गीय सब्जियों में नर पुष्पों की संख्या बढ़ाने के लिए। एक और हार्मोन होता है प्यारे दोस्तों, खीरा वर्गीय सब्जियों में नर पुष्पों की संख्या बढ़ाने के लिए एक और हार्मोन होता है जिसका नाम है GA3, हाँ, जिब्रेलिक एसिड। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था आप लोगों को, है ना, 1500 से 2000 ppm यहां पर अपन इसकी प्रयोग करते हैं ना जिब्रेलिक एसिड का, जब जाके खीरा वर्गीय सब्जियों में नर पुष्पों की संख्या बढ़ती है। अब बात करें टीमा की, तो देखो ये टीमा है ना, ये खीरा वर्गीय सब्जियों में, खीरा वर्गीय सब्जियों में क्या करता है, मादा पुष्पों की, किसकी, मादा पुष्पों की संख्या को क्या करता है, बढ़ाता है। संख्या को क्या करेगा साहब, बढ़ाएगा, ठीक है साहब, बढ़ाता है। अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, MH के बारे में प्यारे दोस्तों। तो MH क्या करता है, लौकी और करेले में, ध्यान रखना दो ही चीज, लौकी में व करेले में, लौकी में व करेले में क्या करेगा ये, मादा पुष्पों की संख्या, मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाएगा, मादा पुष्पों की क्या करेगा, संख्या बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है प्यारे दोस्तों, तो MH बढ़ाता है और CCC साइकोसेल प्यारे दोस्तों। तो ये साइकोसेल है ना, ये क्या करता है, इसका जो मुख्य कार्य होता है बौना करना होता है, पौधों को क्या करना, बौनापन के लिए। दूसरी चीज ध्यान रखना इसके बारे में कि पर्णीय जो वृद्धि होती है, पर्णीय वृद्धि को रोकता है, प्राणीय वृद्धि को रोकने का कार्य भी करता है। तो कौन करता है प्यारे दोस्तों, CCC यानी कि साइकोसेल करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि प्याज के भंडारण में अंकुरण को रोकने के लिए किस पादप हार्मोन का प्रयोग किया जाता है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हाँ, MH का प्रयोग ऑनियन स्टोरेज में भी किया जाता है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। लेकिन अपन वहां पर उसी से संबंधित बात कर रहे हैं, हाँ भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मनीषा मीना एकदम राइट, ठीक है, वेरी गुड। विक्की जाट, ऑल टू सिस्टम फॉर देंगे 10 बजे, ठीक है, संडे को, संडे को चलेगा तुम्हारा सिस्टम, है ना, सिस्टम चलेगा सिस्टम के साथ में। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, अब हम बात करें कि अंकुरण रोकना है, किसके भंडारण में रोकना है, प्याज के भंडारण के अंदर रोकना है साहब, रोक देंगे, किसका प्रयोग करें, तो ध्यान रखना प्यारे दोस्तों, जो मैलिक हाइड्राजाइड है ना, मैलिक हाइड्राजाइड का अपन यहां पर प्रयोग करेंगे, और जो मैलिक हाइड्राजाइड है इसको अपन व्यापारिक रूप से बात करें तो स्प्राउट स्टॉप के नाम से भी जानते हैं, किसके नाम से, स्प्राउट स्टॉप भी इसे कहा जाता है। तो स्प्राउट स्टॉप किसका व्यापारिक नाम है आपसे पूछा जा सकता है, तो किसका है, MH का है। अब एक चीज ये ध्यान रखना कि किसकी कितनी मात्रा का प्रयोग करना चाहिए, तो ध्यान रखना 1500 से 2000 ppm का अपन को क्या करना है, यूज करना है। ये तो हो गई बात, लेकिन साहब इसको कर दिया गया है बैन, क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। तो यह चीज भी ध्यान रखना कि अब यह है ना, ये MH ये हो चुका है बैन, तो अब इसकी जगह एक हार्मोन है CIPC, ठीक है, क्या हार्मोन है, CIPC, जिसे क्लोरोप्रोफाम भी कहा जाता है, इसका सामान्य नाम है क्लोरोप्रोफाम, क्या है, क्लोरोप्रोफाम। तो क्लोरोप्रोफाम का अपन इसका अंदर यूज करेंगे, CIPC का अपन यूज करेंगे, जिसका अगर फुल फॉर्म की बात करें तो आइसोप्रोपाइल N3 क्लोरोफिनाइल कार्बमेट होता है, क्या होता है, आइसोप्रोपाइल
N3 क्लोरोफिनोल कार्बमेट, इसका अपन यूज करते हैं आजकल इसके अंदर, ठीक है। अब देखो आईबीए की बात कर लेते हैं, तो आईबीए का जो कार्य था ये क्या था, जड़ों का विकास करता था। क्या था, जड़ों का विकास करना किसका कार्य है, आईबीए, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। सीसीसी की बात करें तो इसका कार्य अभी अपन ने बात कर लिया है, क्या करता है दोस्तों, ये पर्णीय वृद्धि रोकता है, पर्णीय वृद्धि को रोकता है, वृद्धि को रोकता है, इसीलिए किसमें काम लेते हैं भाई साहब, इसीलिए अपन इसको काम लेते हैं शुष्क खेती में। कौन सी खेती में, शुष्क खेती के अंदर काम लेते हैं। और ए बी ए की मैं बात करूं तो ये रंध्रों को बंद करता है, रंध्रों को बंद करने का कार्य करता है। दूसरी चीज सुसुप्तावस्था बढ़ाता है, क्या करता है, सुसुप्तावस्था, सुसुप्तावस्था बढ़ाने का भी कार्य करता है। कौन करता है प्यारे दोस्तों, तो अपने ए बी ए करता है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, चलो फलों को पकाने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग करते हैं, मेरे को पता है तुम सब इसका राइट आंसर करोगे, है ना। तो अब इसके बारे में जो आप लोगों को कमेंट करना है वो करना है कि फलों को पकाने में किस हार्मोन को भारत में बैन कर दिया गया है। आप लोग कमेंट कीजिए कि फल पकाने में किस हार्मोन को भारत में बैन कर दिया गया है। वेरी गुड, हंसा चौधरी, राज मेवाल, देखे कितने एक जुड़ रहे हैं आज, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए कमेंट कर दीजिए एक बार, हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सब एक कमेंट कर रहे हैं। अरे मेरे को पता है ये तुमसे नींदों में पूछ लेना तब भी तुम इसका राइट आंसर दे सकते हो। तुम्हें कमेंट करना है कि फल पकाने में किस हार्मोन को भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया है। अरे इथरेल को नहीं किया है, अरे इथरेल को तो यूज करते हैं अंगूर के अंदर दबा के, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए मैं ही बताऊंगा, मुझे पता है। चलो अब बात करें कि देखो फल पकाने के अंदर जो हार्मोन है ना वो तो है इथाइलिन, और इथाइलिन जो है इसकी जो खोज थी ना, खोज इसकी जो डिस्कवरी थी वो डिस्कवरी की थी बर्ग साहब ने। किसने की थी, बर्ग ने, बर्ग साहब ने इसको सबसे पहले 1962 के अंदर खोजा था। कब खोजा था, 1962 में इसको खोजा था, और खोज तो इन्होंने दिया था लेकिन फल पकाने वाला जो उत्पाद है ये बताया था जीन साहब ने, ठीक है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में अपन बात करें तो इसका जो पूर्ववर्ती माना जाता है, वेरी गुड भाई, कैल्शियम कार्बामेट नहीं, हां कैल्शियम कार्बामेट, यदुवंशी ने कमेंट किया है कैल्शियम कार्बामेट, एकमात्र स्टूडेंट जिसने राइट आंसर किया है कैल्शियम कार्बामेट, ऐसा एक हार्मोन है जिसको फल पकाने में बैन कर दिया गया। हाँ अब बात करें इसके पूर्ववर्ती की, किसकी पूर्ववर्ती की मैं बात करूं तो इसका पूर्ववर्ती है मिथियोनिन, क्या है, मिथियोनिन, तो मिथियोनिन इसका क्या है, पूर्ववर्ती है, ठीक है। एब्सेसिक अम्ल की अपन बात करें प्यारे दोस्तों तो ये क्या करेगा, ये अपन बात कर चुके, 240 की बात कर लेते हैं। तो वो जो 240 के अंदर इसका कंसेप्ट समझाता हूं, ये क्या है, अगर अपन इसको 20 ppm से ज्यादा, कितने ppm से, 20 ppm से ज्यादा अगर अपन इसको यूज करते हैं ना तो ये खरपतवार नाशी का काम करता है। किसका, खरपतवार, खरपतवार नाशी का कार्य करता है। और अगर अपन इसको 20 ppm से कम काम लेंगे, किससे, 20 ppm से कम काम लेंगे ना, जब जाके ये हार्मोन का काम करेगा, और ये क्या काम करेगा कि जितने भी फल है और फूल है उनको जड़ने से रोकने का कार्य करेगा। अब देखो कौन सा हार्मोन है जो भारत में बैन है फल पकाने में, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं आप लोग भी याद रखना, कैल्शियम कार्बाइड, कौन सा है, कैल्शियम, कैल्शियम कार्बाइड, कौन सा है प्यारे दोस्तों, कैल्शियम कार्बाइड है, कार्बाइड, ये कैल्शियम कार्बाइड है ना, ये फल पकाने में बैन है भाई, फल पकाने में प्रतिबद्ध है, क्या है, प्रतिबद्ध है, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, बैन कर दिया गया है इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करें कि इंडोल ब्यूटायरिक एसिड का व्यापारिक नाम क्या है, फटाफट राइट आंसर कमेंट करें कि इंडोल ब्यूटायरिक एसिड जो आपको सामने दिखाई दे रहा है आईबीए का व्यापारिक नाम क्या है, ट्रिस्टेजा निमेटोड मूलव्रंथ,
भाई किसके बारे में पूछना चाहता है ना, पूरा क्वेश्चन टाइप करें। सर जी नाम याद नहीं आ रहा, नाम मैंने बता दिया ना अभी, क्लास के बाद एल्विश को वोट दे देना भाइयों प्लीज। अच्छा अच्छा चलो मैं भी दे दूंगा, टेंशन मत ले, है ना। चलिए वेरी गुड वेरी गुड, सभी का एकदम राइट आंसर आ रहा है। ठीक है, तो जो IBA है प्यारे दोस्तों, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, काम क्या है, जड़ों का विकास करना। काम क्या है, जड़ों का विकास करना इसका कार्य है। ठीक है, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड का, अब सब जड़ों का विकास करना कार्य है, और इसका जो व्यापारिक नाम है ना वो है रूटेक्स। क्या है, रूटेक्स, ध्यान रखना इसको, रूटेक्स सेराडॉक्स और रैपिड रूट तीन नामों से जाना जाता है। रूटेक्स भी इसी को कहते हैं, ध्यान रखना, दूसरा नाम सेराडॉक्स, सेराडॉक्स ठीक है, और रैपिड रूट, रैपिड रैपिड रूट भी इसको कहते हैं। तो ये तीन नाम किसके हैं प्यारे दोस्तों, IBA के। अब वो प्लानो फिक्स ये कहा जाता है प्यारे दोस्तों NAA को, हाँ प्लानो फिक्स भी कहते हैं, और फ्रूटोन भी किसको कहते हैं, NAA को। NAA के व्यापारिक नाम ध्यान रखना, प्लानो फिक्स और फ्रूटोन किसके व्यापारिक नाम है, NAA के। प्लांट गार्ड, प्लांट गार्ड प्यारे दोस्तों 2,4-D का, किसका, 2,4-D का, हाँ 2,4-D के एक दो नाम और लिख लो साहब, इसके एक दो नाम और लिख लो। देखो इसे वीडर के नाम से भी जाना जाता है, किसके नाम से, वीडर के नाम से भी जाना जाता है इस 2,4-D को। इंपोर्टेंट चीज है, एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जा सकता है साहब। अब सर हमने ये तो बात कर ली कि ये जो जड़ विकास करने का कार्य करता है, किसका कार्य करता है, जड़ विकास का कार्य करता है। तो देखो एक बार कमेंट करो कि जब हम कटिंग करते हैं ना, कटिंग, हाँ कलम विधि जब अपनाते हैं, तो कलम विधि में जड़ फूटाने हेतु कितने ppm IBA की मात्रा काम में ली जाती है, एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिए, फिर मैं बता देता हूं आप लोगों को। देखो जड़ विकास में अगर अपन कलम विधि में यूज करें ना, कलम विधि में, तो कलम विधि में अपन को इसका उपयोग करना है 1500 से 2000 ppm। कितना यूज करना है, 1500 से 2000 ppm यूज करना है। और अगर हम गुटी विधि, हाँ अरे गुटी, जिसे देखो गुटी वो एयर लेयरिंग है ना, एयर लेयरिंग, चलो एयर लेयरिंग लिख देते हैं, एयर लेयरिंग लिख देते हैं भाई, एयर लेयरिंग, जिसे भारत में क्या कहते हैं, गुटी कहते हैं, और चीन में क्या कहते हैं, मोरकोटेज कहते हैं, मोरकोटेज है ना। तो ये जो गुटी विधि है, इस गुटी विधि के अंदर कितनी ppm मात्रा काम मिलेंगे, तो गुटी के अंदर अपन काम में लेते हैं 100 से 150 ppm। कितनी, 100 से 150 ppm तो काम मिलेंगे गुटी विधि में, और 1500 से 2000 ppm काम मिलेंगे किसके अंदर प्यारे दोस्तों, 1500 से 2000 ppm हम काम मिलेंगे किसमें, अपने कलम विधि के अंदर। चलिए अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो निम्न में से वृद्धि रोधक या ग्रोथ रिटार्डेंट हार्मोन है, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को दिया हुआ है ऑक्सिन, बी दिया हुआ है जिब्रेलिन, सी दिया हुआ है साइटोकाइनिन, और डी दिया हुआ है इथाइलिन। फटाफट राइट आंसर कमेंट कर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, राज मेवाल, कुलदीप, नेहा सोलंकी, पंकज, रवि, पूर्णिमा, रोहिता, मीना, रियल, प्रेमिला, विकास, पुखराज, बहुत शानदार, सभी के एकदम राइट आंसर आ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है, वृद्धि रोधक हार्मोन कौन सा है। ठीक है, हाँ एक दो बच्चों के सही है, जैसे पूजा ने एकदम राइट आंसर कमेंट किया है, प्रदीप ने एकदम राइट आंसर कमेंट किया है, बाकी सब पता नहीं कहां ध्यान रहता है तुम्हारा। ठीक है, अबे जब हम वृद्धि रोधक हार्मोन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, वृद्धि रोधक की। चलिए मैं आपको बताता हूं, हार्मोन होते ना हार्मोन, सबका गलत आंसर है एक दो बच्चों को छोड़ के। हार्मोन दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक तो होते हैं वृद्धि कारक, कौन से होते हैं, वृद्धि कारक होते हैं, और दूसरे होते हैं वृद्धि रोधक, वृद्धि रोधक रोधक, इन्हें तो बोला जाता है ग्रोथ प्रमोटर, क्या बोला जाता है, ग्रोथ प्रमोटर, और इन्हें बोला जाता है ग्रोथ रिटार्डेंट। ठीक है, एग्जाम्पल की देखो मैं बात करूं तो
वृद्धि कारक हार्मोन में आता है एक तो ऑक्सिन, कौन सा आता है ऑक्सिन आता है, दूसरा मैं बात करूं तो साइटोकाइनिन आता है, कौन सा आता है साइटोकाइनिन आता है, और तीसरा मैं बात करूं तो जिब्रेलिन आता है, कौन सा आता है जिब्रेलिन। ठीक है, ये तो हो गए वृद्धि कारक। वृद्धि रोधक की मैं इधर बात करूं प्यारे दोस्तों, तो देखो वृद्धि रोधक के अंदर इथाइलिन कौन सा आ जाएगा, इथाइलिन आ जाएगा। दूसरा मैं बात करूं तो इसी के अंदर मैलिक हाइड्रोजाइड आ जाएगा। इसी के अंदर मैं बात करूं तो एबीए एब्सेसिक अम्ल भी इसी में आ जाएगा। सीसीसी साइकोसेल भी इसी के अंदर आ जाएगा। तो ये तो क्या है, वृद्धि रोधक है और ये वृद्धि कारक हार्मोन है। ये इंपॉर्टेंट चीज है रे, है सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो और तुम्हें अभी तक ये नहीं पता कि क्या है और क्या नहीं है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, ऊतक संवर्धन या जो टिश्यू कल्चर होता है, ठीक है, ऊतक संवर्धन या टिश्यू कल्चर के अंदर ऊतक संवर्धन या टिश्यू कल्चर में कौन सा हार्मोन काम में लेते हैं, फटाफट राइट आंसर कमेंट करें। देखो ऊतक संवर्धन में दो चीज काम में लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। एक राइट आंसर तो सामने दिखाई दे रहा है और दूसरा आप लोग खुद कमेंट करेंगे। सर केमिस्ट्री की क्लास कब लगेगी, केमिस्ट्री की भी लगेगी, टेंशन मत लो। सर सीसीसी यानी साइकोसेल बताया था, हाँ साइकोसेल ही बताया था मैंने, कब बोला कुछ और बोल दिया क्या मैंने, राज मेवाल। चलो चलो अब बात करें, देखो इसका राइट आंसर है अपना कौन सा, साइटोकाइनिन, कौन सा है साइटोकाइनिन। ऊतक संवर्धन की सबसे पहले अपन बात करते हैं तो ऊतक संवर्धन दोस्तों पादप प्रवर्धन का, ध्यान रखना किसका, पादप प्रवर्धन की सबसे नवीनतम विधि है। नवीनतम क्या है, विधि है। अब पादप प्रवर्धन की नवीनतम विधि तो है, अब इसमें होता क्या है कि पादप के किसी भी भाग से, किसी भी छोटे भाग से नया पौधा तैयार किया जाता है, टिश्यू कल्चर कहलाता है। अब साहब किसी भी भाग द्वारा एक नया पौधा तैयार करने की जो क्षमता होती है ना, इस कैपेसिटी को प्यारे दोस्तों कहा जाता है टोटियोपोटेंसी। क्या कहा जाता है, टोटियोपोटेंसी कहा जाता है। तो जब एक कोशिका है, मान लो सोच लो कि एक सेल है और उस एक सेल से मान लो ये पूरा का पूरा पादप है, ये पूरा का पूरा ट्री है, इसमें से इतना सा भाग ले लिया, काट लिया और इस इतने से भाग से हमें नया पौधा तैयार करना है। अब क्या करना पड़ेगा, इस कोशिका के अंदर बार बार क्या करवाना पड़ेगा, विभाजन करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा, कोशिका का विभाजन करवाना पड़ेगा। और कोशिका का विभाजन कौन करेगा, साइटोकाइनिन करेगा। कौन करेगा प्यारे दोस्तों, साइटोकाइनिन इस कोशिका का विभाजन करेगा और बार बार साइटोकाइनिन द्वारा विभाजन, क्या बार बार साइटोकाइनिन द्वारा विभाजन से नया पौधा तैयार हो जाएगा। इसी को अपन टिश्यू कल्चर कहते हैं। दूसरी चीज ध्यान रखना, टिश्यू कल्चर में दो और हार्मोन काम में लिए जाते हैं, एक तो है आईएए और एक है आईबीए। ये आईबीए तो साइटोकाइनिन, ये टिश्यू कल्चर में जड़ों का निर्माण करता है और आईएए क्या करता है, शूट फॉर्मेशन करता है, शिखर भाग को बढ़ाने का कार्य करता है। और ये साइटोकाइनिन का कार्य होता है कैलस निर्माण करना, क्या होता है, कैलस निर्माण करने का कार्य होता है। और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, ऊतक संवर्धन द्वारा केले में, ध्यान रखना किसमें, केले में वायरस रहित पौधे, वायरस रहित पौधे तैयार होते हैं। कैसे पौधे तैयार होते हैं, वायरस रहित पौधों का निर्माण किया जाता है। और मुख्यतः केले की एक किस्म है G9, ग्रैंड नैने, नाम सुना होगा, ग्रैंड नैने जो किस्म है या G9 किस्म है, इस G9 किस्म के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है साहब। चलिए चलो नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, फटाफट राइट आंसर कमेंट करें कि इनमें से कौन सा युग्म हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है कि फल व, भाई फल व फलों को झड़ने से रोकना, फल नहीं फूल, फूल व फलों को झड़ने से रोकना, कलम में जड़ फुटान हेतु, ठीक है, AgNO3 में खीरा वर्गीय फलों में मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाने हेतु और GA3 सुषुप्त अवस्था को तोड़ने हेतु। फटाफट राइट आंसर कमेंट कर देखे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया। प्रदीप भी कमेंट कर रहा है, रियल अध्यात्मिक सी कमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग ए भी कमेंट कर रहे हैं, और राज मेवा कह रहे हैं सी गलत है साहब। हाँ सी एकदम गलत है। अभी हमने पढ़ा कि AgNO3 क्या करता है। AgNO3 हमेशा नर पुष्पों की संख्या बढ़ाता है। कैसे पुष्पों की बढ़ाता है? नर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म इनमें से सुमेलित नहीं है? तो फटाफट राइट आंसर कमेंट करें कि ADA का काम क्या रंध बंद करके वाष्पोत्सर्जन को रोकने का होता है क्या? हाँ सर ऐसा ही होता है क्या? फटाफट राइट आंसर कमेंट कर देगा इसका भी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नितेश, ममता, महला, के चौधरी, प्रेम, प्रेमला जाटनी, बहुत बढ़िया भाई। मनोज भोमराम, अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए हाँ बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया। मां सरस्वती ज्ञान भंडार, बहुत बढ़िया। ठीक है आरोती का लाल बूंदी से, किरण जोशी, सही है सबका एकदम सही है। अब देखो अपन बात करें प्यारे दोस्तों इसके अंदर आंसर की, तो देखो ABA का काम क्या है, ये सही काम है। ये भी GA3 क्या करता है, फूल गोभी और पत्ता गोभी के अंदर शीत उपचार करता है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना। इथाइलिन क्या करता है, गैस या हार्मोन है, लेकिन जो मैलिक हाइड्रोजोइड है ना, ये मैलिक हाइड्रोजाइड, अरे ये MS नर पुष्पों की संख्या नहीं बढ़ाता रे, MS लौकी और करेले में। अभी मैंने बताया था, क्या बताया था, कि लौकी में और करेले में मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाता है। तो राइट आंसर क्या हो गया, डी हो गया है। कौन सा हो गया है, डी। चलिए नेक्स्ट अपन बात करें प्यारे दोस्तों कि मटर में त्रिक प्रभाव ट्रिपल रेस्पॉन्स हेतु उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है। ठीक है फटाफट इसका राइट आंसर कमेंट करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो मटर के अंदर जो ट्रिपल रेस्पॉन्स है ना, कि मटर में ये जो इथाइलिन है ना, ये तीन कार्य करता है साहब। फल को पकाने का कार्य तो करेगा ही करेगा, इसके अलावा ये इसके अंदर वृद्धि का कार्य भी करता है। किसका कार्य करता है प्यारे दोस्तों, वृद्धि का कार्य भी करता है, और कुछ स्टेज में ये जाके प्यारे दोस्तों इन फलों को पकाता भी है। ठीक है तो ये ट्रिपल रेस्पॉन्स का कार्य करता है, और जो ट्रिपल रेस्पॉन्स है ना ये इथाइलिन, हाँ इसका राइट आंसर क्या है, इथाइलिन है। और ये जो ट्रिपल रेस्पॉन्स है इसके बारे में सबसे पहले 1903 के अंदर जानकारी मिली थी। ये चीज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखनी है। और नेल जुबो नामक साइंटिस्ट था, क्या नाम था, नेल जुबो। इस नेल जुबो ने सबसे पहले बताया था इसके बारे में, किसने, नेल जुबो ने, नेल जुबो नामक वैज्ञानिक ने बताया था। चलो नेक्स्ट देखो वापिस तुम्हारे लिए एक बार और ये चीज ध्यान रखना कि आप लोगों को 15 अगस्त के लिए, ठीक है, जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है ना 15 अगस्त, उसके उपलक्ष में आपको सभी ऑनलाइन कोर्स, कब से ये भी ध्यान रखना, कल से ध्यान रखना, कल से है ये ऑफर, आज कॉल मत कर देना, कल से सभी ऑनलाइन ऑफर 90% की छूट के साथ आपको ₹590 में अवेलेबल है। जिनको भी कृषि पर्यवेक्षक, पशु सहायक हो गया, 12th एग्रीकल्चर, कृषि व्याख्याता, जेट, ICAR, CUET, EEE और यूपी कैटेट की तैयारी करनी है, ठीक है, तो इन कोर्सों को आप लोग परचेज कर सकते हैं भाई। 599 फ्री के बराबर ही है। सर जी लाइब्रेरी से घर जाते क्लास ले रही हूँ, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है ऐसी डेडिकेशन होनी चाहिए, इसी डेडिकेशन में क्या होती है, पढ़ाई होती है। चलो नेक्स्ट अपन बात करें तो नेक्स्ट है कि ऑक्सीजन नहीं है भाई, ऑक्सीजन है भाई, ऑक्सीजन कहाँ रहे, ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए। ऑक्सीजन में इथाइलिन संश्लेषण का क्रमशः पूर्वग्रामी या प्रीकर्सर है। ऑक्सीजन का और किसका प्यारे दोस्तों, ऑक्सीजन के बाद में आपको दिया हुआ है इथाइलिन। अपन बात भी कर चुके हैं कि जो ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन इसका तो क्या होता है, ट्रिप्टोफेन होता है, क्या होता है, ट्रिप्टोफेन होता है। और दूसरा हमने बात की इथाइलिन की, तो इथाइलिन का होता है मिथियोनिन, क्या होता है, मिथियोनिन होता है। तो भाई साहब आंसर क्या होगा, देखो देखा इथाइलिन और मिथियोनिन बी नंबर में दिया हुआ, तो बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट अपन बात करें
कि सूची वन का सूची सेकंड के साथ मिलान करके सही जवाब दो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन माइंड डेवलप करते हैं, ठीक है, सोचने की क्षमता बढ़ाने वाला क्वेश्चन है। फटाफट इसका राइट आंसर कमेंट करो। देखो सीआईपीसी, क्या ये आलू में फूटान रोकता है क्या? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी टीआईबीए, तरबूज में मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाता है क्या? सी AgNO3, खीरा वर्ग में नर पुष्पों की संख्या बढ़ाता है क्या? CCC, वृद्धि अवरोधक है क्या? फटाफट राइट आंसर कमेंट करो। देखो CIPC सही बात है भाई, ये क्या करेगा, फूटान रोक रहा है, फूटान यानी अंकुरण को रोक रहा है, अभी तो बताया था भाई अंकुरण रोकने में अब क्या काम लिया जाता है, CIPC काम लिया जाता है। टीबा के बारे में हमने बात करी थी, तरबूज में मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाता है, भाई बढ़ा रहा है यानी फीमेल की तो बढ़ा रहा है, तो ये भी सही बात है। ठीक है, नेक्स्ट अपन ने बात करी थी खीरा वर्ग में नर पुष्पों की संख्या बढ़ाता है क्या AgNO3, हाँ बढ़ाता है साहब। CCC वृद्धि रोधक है क्या? हाँ। तो दो ABCD का आंसर दिख रहे हैं, अरे ऑप्शन नंबर ए ही तो है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये इसका राइट आंसर हो गया, ABC और D, हाँ दो बार छाप दिया उसने, है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं, ABCD ऊपर भी आ गया है और ABCD, अच्छा DC है क्या ये? ओके, हाँ दिखा नहीं भाई, देखो मेरे को दिखा नहीं, ये है ABCD, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, है ना, ABCD, मतलब यहां अपन ने बिल्कुल सही किया है, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नंबर सी आएगा। चलो नेक्स्ट बात करें, केला व आम को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, फटाफट राइट आंसर कमेंट करो। देखो गला ऐसे हो रहा है जैसे फट चुका हो, सुबह से 7वीं क्लास है ये, है ना, और सुबह से 8 बजे खड़े खड़े क्लास लेते रहते हैं, फिर तुम लोग इस कमेंट बॉक्स के अंदर मजाक करते तो ऐसा लगता है कि क्लासों को बंद कर देना चाहिए, है ना, ऐसा लगता है कि तुम्हें पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है तो क्लासों को बंद कर दिया जाए, ऐसा मुझे लग रहा है, खुद से अंदर से गट फीलिंग आ रही है। चलो कोई नहीं, कि आम और केले को कृत्रिम रूप से पकाना है तो इसके लिए अपन यूज करते हैं किसका, कैल्शियम कार्बामेट का, लेकिन इसको फिलहाल क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है, और CaC2 के नाम से भी इसे जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। पोटेशियम परमैंगनेट की मैं बात करूं प्यारे दोस्तों, तो ये पोटेशियम परमैंगनेट है ना, ये इथाइलीन अवशोषक का काम करता है, इथाइलीन अवशोषक का काम करता है, AA 2021 का क्वेश्चन है, इथाइलीन अवशोषक के रूप में किस हार्मोन का प्रयोग करते हैं, तो पोटेशियम पर मैग्नेट का करते हैं, AA 2021। ठीक है, पोटेशियम मेटाबाइट सल्फाइड K2S2OS, अब ये पोटेशियम मेटाबाइट सल्फाइड है ना, इसका अपन यूज करते हैं रंगहीन जो फल होते हैं, ध्यान रखना रंगहीन जो है, रंगहीन फल, रंगहीन फलों के परिरक्षण में, परिरक्षण के अंदर अपन यूज करते हैं, और सोडियम बेंजोएट का करते हैं रंगीन जो फल होते हैं, रंगीन रंगीन फल, तो रंगीन फलों के परिरक्षण में। अब सर ये सोडियम मेटाबाइट सल्फाइड है ना, ये सोडियम मेटाबाइट सल्फाइड का रंगीन के में क्यों नहीं करते, क्योंकि इसमें पोटास पाया जाता है, और ये जो पोटास है ना, ये फलों के रंग को विरंजित कर देता, क्या कर देता है, विरंजित। चलिए नेक्स्ट बहुत इजी क्वेश्चन है, कि जड़ों का विकास या रूट इनिशिएशन किस हार्मोन का कार्य है, पढ़ चुके हैं अपन कि रूट इनिशिएशन जो कार्य है वो किसका है, IBA का है, यानी इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड का काम है साहब, जिसे रूटेक्स भी हमने नाम दिया था, क्या नाम दिया था, रूटेक्स भी हमने नाम दिया था, चलिए हाँ सेराडॉक्स भी हमने नाम दिया था, रैपिड रूट भी हमने नाम दिया था, वेरी गुड। IA का क्या काम था, IA का काम था शिखर तने को प्रेरित करना, शिखर तने को प्रेरित करने का जो कार्य है वो कार्य क्या किसका था प्यारे दोस्तों, IA का। NAA का कार्य है, NAA प्यारे दोस्तों फलों एवं फूलों को झड़ने से रोकता है, क्या करता है, फलों एवं फूलों को झड़ने से रोकता है, या आप लोग कह सकते हो कि फ्रूट सेटिंग करता है, अरे फ्रूट की सेटिंग की बात कर रहा हूं, तुम्हारी सेटिंग की नहीं है ना, फ्रूट सेटिंग का कार्य भी ये करता है। और लास्ट आज का
हमारा क्वेश्चन कौन सा हार्मोन, देखो अच्छा क्वेश्चन है और प्री पीजी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है कि कौन सा हार्मोन है जो गुणसूत्रों की संख्या बढ़ाने में या डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स में प्रयोग किया जाता है। मेरे को पता है कि नहीं पता होगा, तो कोलचिसिन एक रसायन है प्यारे दोस्तों, इस रसायन का प्रयोग करते हैं जो गुणसूत्र होते हैं ना उनकी संख्या को डबल करने में, ठीक है। और कल का टॉपिक की क्लास भी यूट्यूब के ऊपर डली हुई है, मेरे को खुद को नहीं पता कल कौन सा टॉपिक है ना, तो वो आप लोग देख लेना, शायद कल या तो रेखांकन होगा, नर्सरी वगैरह होगा, कोई तो टॉपिक है, तो वो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अभी के लिए प्यारे दोस्तों इतना ही, अपन कल पढ़ेंगे। और ये चीज ध्यान रखना कि टॉपिक वाइज जो क्लासे हैं, मैं चाहता हूं कि आपकी टॉपिक वाइज क्लासे कंटिन्यू रहे, ठीक है, ताकि जब तक आपका एग्जाम हो जाएगा ना तब तक मैं एक एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकता है वो मैं आपके आंखों के सामने लाना चाहता हूं। भाई हमने आज हार्मोन पढ़ लिया, किसी को लगता है कि कोई क्वेश्चन छूट गया, देखिए कमेंट कर दो कोई हार्मोन कमेंट कर दो कोई छूट गया हो तो, नहीं छूटा है, जितने क्वेश्चन बन रहे थे ना वो सारे बना दिए, ऐसे नहीं बन रहे तो चार ऑप्शन से बना दिए, लेकिन बना दिए है ना। तो अभी के लिए प्यारे दोस्तों इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, सभी को धन्यवाद।